कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी का पाठ की रूपरेखा मैं बता देती हूँ। कैदी और कोकिला कविता ब्रिटिश शासन की बर्बरता और देशभक्तों पर उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को देखने समझने के लिए दर्पण के समान है। इस कविता को पढ़ते हुए यह जान सकते हैं कि देश की आज़ादी में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले अमर सेनानियों ने कितने शारीरिक और मानसिक कष्ट सहकर हमें स्वतंत्रता का अमूल्य उपहार दिया है। पहला का वंश है, क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बदमाशों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब रात दिन कड़ा पहरा है, शासन है या तमका प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। कवि अर्धरात्रि को गाती कोयल की आवाज़ से चौंक कर उससे व्यग्रता से पूछ बैठता है कि हे कोयल, तुम इस प्रकार रह रह कर क्यों गा रही हो, क्या तुम्हारे इस गीत में किसी तरह का गुप्त संदेश या कोई प्रेरणा छिपी है, यदि कोई ऐसा संदेशा है तो यह संदेशा किसका है, तुम मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। हे कोयल, मैं जिस स्थान पर कैद हूँ वह स्थान मनुष्य के जीने के लायक नहीं है, यहाँ की दीवारें भयंकर काली और ऊंची हैं, यहाँ चोर डाकू और राजनी करने वालों का निवास है, स्थिति तो यह है कि जीवन भर के लिए भोजन भी नहीं मिलता है, भर पेट तो दूर की बात है, पर्याप्त भोजन के अभाव में मन और शरीर तड़प कर रह जाता है, वे अंग्रेज सिपाही ही हमें मरने भी नहीं देते और ठीक से जीने भी नहीं देते, हमारे चारों ओर कड़ा पहरा है, हमारी निगरानी के लिए सिपाहियों को बैठा रखा है। कवि प्रश्न करता है कि यह अंग्रेजों का अंधकारमय शासन है या वास्तव में गहरी काली अंधियारी रात है, इस सीमा तक काली है कि प्रकाश या आशा रूपी चंद्रमा भी उसके आगे परास्त है, वह भी निराशा का संदेशा दे रहा है, अर्थात उसका प्रकाश भी क्षण प्रतीत हो रहा है। कवि कोयल से कहता है कि हे सखी, इस भयानक अंधेरी रात में तुम क्यों जाग रही हो, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो। दूसरा काव्यांश है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अध रात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी कोकिल बोलो तो। कवि जेल की कोठरी से कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तू किस कसक भरी वाणी में कूक रही है, ऐसी कौन सी बात है जिसका बोझ तुम्हारी वेदनापूर्ण वाणी में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हे कोयल, तुम्हारा ऐसा क्या लूट गया जिसको लेकर तुम इतनी उद्विग्न और व्याकुल हो, और आधी रात को तुम्हारी वाणी इतनी दुख से भरी क्यों हो रही है। तुम्हारी वाणी अत्यंत मधुर और कोमल है तथा वह मधुर ऐश्वर्य की प्रतीक है जिसकी तुम स्वामिनी हो, फिर भी तुम इस सीमा तक विचलित क्यों हो, तुम्हारी वाणी में यह विक्षिप्तता क्यों है, तुम इस आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो, क्या किसी जंगल की आग की भयानक लपटें तुम्हें दिख गई हैं, अर्थात क्या तुम्हें भी इस अंग्रेजी राज्य का अंधकार और भयानक अत्याचार युक्त नीतियों का ज्ञान हो गया है, तुम्हारी वाणी की व्याकुलता क्या इसी कारण है। इस प्रकार से कवि कोयल को अलग अलग तरीक़ों से ये पूछता है कि कोयल को क्या परेशानी है, क्योंकि कवि तो जेल में है तो उसे जेल की परेशानी है। तीसरा काव्यांश देखते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह है ब्रिटिश राज का गहना, कोहलू का चरक चूं,
जीवन की तान किती पर अंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जुगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, क्या तुम्हें हमारे शरीर पर पड़ी हुई जंजीरें दिखाई नहीं दे रही हैं? ये जंजीरें हमें किसी गहने से कम प्रतीत नहीं होती, और ये जो हथकड़ियाँ हमने पहन रखी हैं, ये अंग्रेजी राज द्वारा दिया गया उपहार है, जो गहनों के रूप में हमारे शरीर और हाथों में सजी हुई हैं। हमें ये कोहलू के चरसा को खींचते समय चरक चूंकी ध्वनि में जीवन की तान सुनाई पड़ती है। यह जीवन संगीत ही हमें देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। हम अपने मजबूत हाथों से जब पत्थर तोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी अंगुलियों में पत्थर के ये टुकड़े स्वतंत्रता संग्राम का नया गीत रच रहे हों। कवि कहता है कि जब मैं पेट पर कोहलू का जुआ लगाकर कोहलू का चरसा खींचता हूँ तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी शासन की अकड़ या घमंड का कुआं लगातार खाली करता जा रहा हूँ। इससे मेरे अंदर उत्साह का नया संचार होता है, अर्थात अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली यातनाएं हमें जीवन में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देती हैं। कवि कहता है कि हे कोयल, इस अंधकार में एवं शांत माहौल में तुम क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हें ज्ञात है कि दिन का समय परिश्रम यातना संघर्ष का होता है, उस समय मधुर आवाज़ और करुणा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए तुम्हारा रुदन इस घोर अंधकार को वेध रहा है। हे कोयल, क्या तुम इन अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही हो? क्या तुम अपनी करुण वाणी से स्वतंत्रता संग्राम का नया अध्याय लिखने जा रही हो? बोलो तो कोयल, क्या तुम इस नीरव शांत अंधकार में वातावरण में इसीलिए चुपचाप रुदन कर रही हो? रुदन करना यानी रोना। चौथा काव्यांश है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली है आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोयल, जिस प्रकार रात का रंग काला है, वही काला रंग तुम्हारा भी है। अंग्रेजों का वर्ताव भी नितांत काला है, अर्थात अमानवीय है। उनका यह व्यवहार मेरे मन में कई तरह की भयंकर कल्पनाएं भर देता है। बुरी बुरी कल्पनाएं और विचार लहर के समान इस काली अंधेरी कोठरी में घूमते रहते हैं। मेरी काल कोठरी का वातावरण भी नितांत कालिमा युक्त है, अर्थात रोशनी विहीन है। कैदियों को दी जाने वाली टोपी भी काली है और कंबल भी काला है। यहाँ तक कि मेरा शरीर जिन लोहे की जंजीरों से भरा है, उनका भी रंग काला है, अर्थात कारागर और प्राकृतिक वातावरण सभी कालिमायुक्त हैं। इस अंधकार में कालिमायुक्त वातावरण में पहरेदार की भीषण आवाज़ किसी सर्पिणी के डसने जैसा भय उत्पन्न कर रही है। हे सखी, इस अंधकार में अन्याय से भरे वातावरण में अंग्रेजों सैनिकों द्वारा दिए जाने वाले गालियाँ इसे और भी भयानक बना रही हैं। कवि कहता है कि हे अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय वातावरण में भी काले सागर रूपी विपत्ति अर्थात अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का उत्साह निरंतर बढ़ता
जा रहा है। प्रबल इच्छा हो रही है कि इस काले सागर रूपी संकट को जल्द से जल्द नष्ट कर दिया जाए। हे कोयल, बोलो तो यह विचार कैसा है? तुम अपनी माधुर्यपूर्ण स्वर लहरी अर्थात गीतों को क्यों लहरा रही हो? क्या तुम भी इस अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने का मन बना चुकी हो? हे कोयल, सच सच बताओ। पांचवा काव्यांश। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नवभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता मेरी तेरी, बजा रही तिस पर अंधेरी। इस हुंकृति पर अपनी कति से और कहो क्या कर दूँ? कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ? कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम तो प्रकृति के स्वच्छंद हरे भरे वातावरण में उन्मुक्त विचरण करती हो, यानी स्वतंत्र रहती हो। अर्थात तुम्हें तो बैठने के लिए हरी और भरी डाली मिली है, परंतु मेरे भाग्य में यह सकरी सी काल कोठरी है, जहाँ हवा और रोशनी बहुत मुश्किल से आते हैं। हे कोयल, संपूर्ण आकाश तुम्हारा क्षेत्र है, जहाँ तुम बिना रुकावट के उड़ सकती हो, जबकि मैं जिस काल कोठरी में बंद हूँ वह तो मात्र 10 फुट की है। हे कोयल, तेरे गीत सभी की प्रशंसा के पात्र होते हैं, परंतु यदि मैं अपनी दुर्दशा पर रोना चाहूँ तो यह अपराध की श्रेणी में गिना जाएगा। हे कोयल, तुम स्वयं देख लो तुम्हारी और मेरी स्थिति में कितना अंतर है। तब भी तुम अंग्रेज शासन के विरुद्ध युद्ध का संगीत बजा रही हो। हे कोयल, यह बताओ कि तुम्हारी इस हुंकार पर मैं क्या करूँ? इस काल कोठरी में रहकर मैं अपनी रचनाओं कविताओं के द्वारा ऐसा और क्या विशेष करूं कि स्वतंत्रता संघर्ष की अग्नि और अधिक दहक उठे? हे कोयल, तुम ही बताओ कि महात्मा गांधी के इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मैं अपने प्राण रस किस भांति न्योछावर कर सकता हूं? तुम बताओ कोयल, मेरे संघर्ष की दिशा क्या होगी? मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ।